देखिए, सबसे पहले जो है वो हमने ये बुकरम ली हुई है। आपको ये पेस्टिंग वाली बुकरम ही लेनी है। इसमें देखिए, सबसे पहले हम ये जो इसका नीचे का पार्ट होगा वो निकालेंगे। इसमें ये जो मैंने टोटल लेंथ ली हुई है नेक के अकॉर्डिंग, वो हमारी ये जो नीचे का पार्ट है हमारा कॉलर का, इसमें जो है वो टोटल लेंथ मैंने नेक के अकॉर्डिंग जो ली है वो मैंने ली है 15.5 इंच। इसको इस तरह से फोल्ड करना है हमें। देखिए, अब यहाँ से देखिए 1/2 इंच जो है वो हमने इस तरफ से जो है वो मार्क करना है यहाँ पे। ये देखिए, ये 1/2 इंच हमारा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से पॉइंट 0.75 जो है, ठीक है, यहाँ से जो है इस तरफ से जो है हमने वो इसे लेना है 0.75 इंच। यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ से ये जो इसकी टोटल विड्थ जो है वो है हमारे पास 1.5 इंच के करीब है। अब यहाँ से देखिए इसे इस तरह से आ जाएगी हमारे, ये इस तरह से शेप देनी है इसे। अब यहाँ से देखिए इसको यहाँ पे इस तरह से मिला दें यहाँ पे, और जहाँ पे जितनी हमारे पास ये जो विड्थ आ रही है उतनी विड्थ जो है वो हमें यहाँ से यहाँ तक लेनी है। तो ये हमारे पास आ रही है 1 इंच से थोड़ी सी कम है, यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें इतनी ही विड्थ ले लेनी है। ये हमारी यहाँ पे आएगी इस तरह से। अब यहाँ से इसे इस तरह से मिला दें इस तरह से। ये हमारी जो है वो नीचे की कॉलर जो है वो आ जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लें यहाँ से। जो है ये हमारे पास कॉलर का जो है वो नीचे का पार्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने ये ऊपर की कॉलर जो है वो निकालनी है। तो इसको यहाँ से ये जो कॉलर का ऊपर का पार्ट है इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे ये जो विड्थ ली हुई है ये ली है 2.5 इंच, और जो लेंथ ली है वो टोटल हमने नीचे के पार्ट के इक्वली ली है 15.5 इंच। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से मार्क कर लें। यहाँ से देखिए कॉलर का जो है ऊपर का पार्ट जो है वो हमने इस नीचे वाले पार्ट से थोड़ा कम रखना है, 0.5 से 0.25 के आसपास जो है वो कम रखना है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे आएगा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये जो है ऊपर का पार्ट आएगा हमारा। अब यहाँ से इस शेप में जो है वो हमारी कॉलर आएगी। अब यहाँ से भी देखिए, यहाँ से हमने 1/2 इंच जो है नीचे से 1/2 इंच लेना है, और यहाँ पे भी 1/2 इंच, यहाँ पे भी 1/2 इंच, और इसे इस तरह से यहाँ पे मिला देना है। ये देखिए, और ये जो ऊपर हमारा कॉलर है उसे आप अपने अकॉर्डिंग अगर छोटा बड़ा करना चाहते हैं इसकी जो विड्थ है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कॉलर जो है वो हमारी इस तरह से आ जाएगी। इसे भी मैंने 1/2 इंच 0.75 इंच के आसपास जो है वो लिया हुआ है यहाँ से। ये देखिए 0.75। अब इस तरह से जो है वो हम इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे।
तरह से जो है ये हमारी कॉलर आ जाएगी। देखिए इस तरीके से। अब इसे हम कपड़े के साथ जो है वो स्टिच करेंगे। देखिए मैंने इसके ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको पेस्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। पार्ट को जो है वो स्टिच कर लिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए ये जो इसका दूसरा पार्ट है इसको हमने ये देखिए ये जो कपड़ा है इसके साथ अटैच करना है। इसे इस तरह से इसे इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से जो है इसे सिलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका, इसके लिए मैंने ये एक अलग से और पट्टी निकाली है। इसे इसके ऊपर इस तरह से रखें और यहाँ पे इसकी इस तरह से कटिंग कर लें। ये जो हाफ इंच मैंने लिया हुआ है ये मैंने सिलाई के लिए लिया हुआ है, ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। से और नीचे वाली साइड से भी इसी तरह से जो है वो आपको हाफ इंच मार्जिन देके कपड़ा कट कर लेना है। बस ये जो इसके तीनों पार्ट्स हैं ये हमारे पास प्लेन कपड़ा है, ये कॉलर के ऊपर का पार्ट और ये इसका बीच का पार्ट जो है। तो सबसे पहले ये जो हमने इसका कपड़ा लिया हुआ है इसके सेंटर पॉइंट से इस कॉलर को मिलाना है यहाँ पे इस तरह से, और इसके बाद ये जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है इसको यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट के साथ मिलाना है इस तरह से। अब इसे यहाँ से जो है यहाँ से इस तरह से हम स्टिच कर देंगे पूरा।